ये आज मेरी भतीजी 3-3.5 साल की, इसकी उम्र है, इसका नाम है अनाइजा। अनाइजा चलें बताएं हमें कपड़े कैसे धोए जाते हैं। हाँ जी, फिर हमने इसमें पानी डालना है। ठीक हो गया, पानी डाल दिया, फिर सरफ डालना है, सरफ भी डाल दिया, फिर ढक्कन बंद करना है। करें करें, अब क्या करना है? इसका बटन घुमाना है। हाँ जी, इसने बताया कि पहले सबसे पहले मशीन में पानी डालना है, कपड़े डालने हैं, फिर सरफ डालना है और फिर इसका बटन घुमाना है। अब बटन घुमा दिया, अब इंतजार करते हैं कपड़े धुलने का। अब इसका टाइम आ गया था, अब इसको बंद करके निकालते हैं। अनाइजा का कहना है कि इसका टाइम पूरा हो चुका है, अब इसको खोलते हैं और फिर इसका जो है ना ढक्कन खोल के इससे कपड़े निकालते हैं। अनाइजा ने पहले ही कपड़े निकाल के बाहर रख दिए हैं, वो पड़े हैं। आ जाए अनाइजा, इस साइड पे आ जाए। ये अनाइजा का कहना है कि कपड़ों को अब पानी से साफ किया जाएगा और इसके बाद कपड़ों को सुखाने के लिए धूप पे डालेंगी। ये अनाइजा ने देखा कितने सारे कपड़े धो गए, ये भी रखी है यूनिफॉर्म अपने भाई की और ये इसका भाई है, ये दोनों मिलके कपड़े धो रहे हैं। अब अनाइजा क्या करेंगे आप लोग? आपने कहाँ फुलाए हैं, दिखाएं जरा, इशारा करें, कपड़ा रखे नीचे, वो देखें जी, नाइजा इशारा कर रही है छत की तरफ। ये देखें जी, नाइजा ने कितने सारे कपड़े धो लिए हैं और मज़ीद अभी धोई जा रही है। ये इसका भाई है, ये कपड़े फुला रहा है और ये धो रही है। ये देखें जी, ये सारे अभी अनाइजा ने कपड़े धो के रखे हैं। अनाइजा आपका काम ख़त्म होने में कितनी देर है? ये मेरी प्यारी सी बहन है, मुझे जिद कर रही है कि कपड़े खिला दिया, और इसने इतने कपड़े भी धो लिए, पर बीमार हो जाओगी पागल, इतनी सर्दी भी है। मैं धो भी लेती हूं, मैं नहीं धोऊंगी तो कौन धोएगा? मम्मा धोएंगी, छोटी सी हूं पर बड़े काम की हूं। वाह जी वाह। अस्सलाम वालेकुम अनाइजा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। ये अनाइजा और ये इसका भाई, और ये अनाइजा का किया गया काम। ये देखें, अनाइजा ने बड़ा ही आज काम किया, वाह जी वाह माशाल्लाह। ये इसका भाई है और ये इसकी बहना। उत